अब देखे एक जगह पे आगे हम जाते हैं, वहाँ पे हमने किसी को रेस्क्यू करना है, रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास कोई बंदा है, कोई फ्रैक्चर आ जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, कोई बेहोश हो जाता है, या हमने किसी को रेस्क्यू करना है, उसके जो है डिफरेंट मेथड हैं। डिफरेंट मेथड कैसे हैं, आप आ जाओ और साथ में ज़ुल्फ़कार आप आ जाओ, ठीक है। आप कैसे करोगे किसी को, आप आओ, मैं पहले ट्रेनिंग देता हूँ आपको। आप क्या करेंगे, आप अपना हाथ दें मुझे। ये क्या है, आपने जो है ना सिंगल आर्म, ये सिंगल आर्म है। अगर वो बंदा चल नहीं सकता, ठीक है, वो बंदा चल नहीं सकता, तो आपने उसको क्या करना है, आपने उस बंदे को जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है। तो आप कैसे शिफ्ट करेंगे उस बंदे को, उस बंदे को सिंपल आप एक एग्जांपल लेते हैं। आप आ जाएं यार, दोबारा आ जाएं यहाँ पे, आप जाओगे, ये बंदा लेट जाए, सेम लेट जाए, ये बंदा यहाँ पे लेटा हुआ है, ठीक है, इसको होश नहीं है। अब मैंने इस बंदे को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है, कैसे मैं इसको शिफ्ट करूँगा, इसकी दोनों टांगें रोल करें ऐसे, हाँ, साथ लगाएं। अब ये बंदा है यहाँ पे, मैं इसको क्या करूँगा, ये कॉन्शियस है, सबसे पहले आप सामने आओ इधर, इसकी मैं जो है टांगे रोल करूँगा, और दूसरे नंबर पर ये ख्याल रहे कि मेरे शूज़ इतने सख्त ना हो कि मैं इसके पाँव पे पाँव रखूँ तो इसको नुकसान पहुँचे। सबसे पहले आप इसके पाँव पे रखोगे ये हाथ, और इसको सिंपल ऐसे करके उठा लोगे, अपने साथ लगाओगे, ठीक है। दूसरा बंदा आपके साथ होगा, अफजल इधर आओ, आप इसको यहाँ से पकड़ोगे, मैं यहाँ से पकड़ूंगा, और इसको ऐसे हम रखेंगे, सीधा करो जरा इस तरफ, इसको हम सीधा रखेंगे, और एक हाथ अपना दे पीछे से, इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बिठाएंगे, बैठ जाओ इसके ऊपर, ये बंदा बैठ चुका है, इसको हम उठा के ट्रैवल कर सकते हैं कहीं भी, ये बंदा जा रहा है, ठीक है। अब दोबारा से आ जाएं, कौन सा हो गया, सिंगल आर्म। इस तरह से हम बंदे को जो है सिंगल आर्म के साथ लेके जा सकते हैं, रेस्क्यू कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमारा अब जो है ना दूसरा मेथड आ जाता है, फॉर एग्जांपल बंदे की एक टांग में फ्रैक्चर आ गया है, टांग में किसी किस्म का भी फ्रैक्चर आ गया है, तो हम वो क्या करेंगे, अब ये बंदा है, इसकी टांग हम क्या कर सकते हैं, हमने टांग सीधी रखनी है, फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर से टांग इसकी मोड़ नहीं सकते, हम इसको उठाएंगे वैसे ही, उसी मेथड से नहीं उठाएंगे, आराम से हम दो बंदे इसको उठा के क्या करेंगे, अब पकड़ो, अब पकड़ो ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है, इधर से पकड़ोगे, ये पीछे क्या है, इसके सपोर्ट आ जाएगी, कैसे होगा देखें, थर्ड आर्म जो है हमारा वो हम किस तरह बनाएंगे, इसका ये बाजू पकड़ा, इसने मेरा यहाँ से ये शोल्डर पकड़ा है, ठीक है, बाइसेप पकड़ा है, तो हम इसको क्या करेंगे, रेस्क्यू करेंगे ऐसे। अब इसका आपने जो है हाथ वो बंदा उधर डाल लेगा, और ये ऐसे जब उठाएंगे तो मैं इसका एक जो टांग है ये ऐसे सीधी रख के मैं इसको लेके जाऊंगा, इसको एक जगह से हम दूसरी जगह पे ट्रैवल और शिफ्ट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा फोर आर्म, आसानी है, बंदा कोई भारी है, ज़्यादा वजनी बंदा है, कौन हो सकता है कि जिस तरह ये बंदा हो सकता है, ठीक है, आप इधर आओ। फोर आर्म हम कैसे करेंगे, उस दौरान आपने कोई वॉच वगैरह ना पहनी हो, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, वॉच उतारनी है, ये देखें मैंने अपने हाथ को मजबूती से पकड़ लिया है, इसी तरह सेम आप अपने हाथ को पकड़ेंगे, और ये इस बंदे ने मेरे हाथ को पकड़ लिया, दोबारा से देखें क्या करना है, आपने अपने लेफ्ट हाथ से जो है राइट हाथ को पकड़ लेना है, उसके बाद क्या है, ये बंदा ऐसे पकड़ेगा, ये फोर आर्म सीट बन गई है, क्या बन गई है, फोर आर्म सीट बन गई है। अब इस बंदे को हमने क्या करना है, बिठाना है ऊपर, बैठे, अब हाथ हमारे गले में डालें, अब इस बंदे को हम उठा के, ज्यादा वजनी बंदा है, इसका कम से कम 150 kg वेट है, कितना वेट है, 150 ही है, अस्तगफिरुल्लाह, अच्छा 150 kg वेट है। अगर इस बंदे को ना 100 kg की एक बोरी होती है, रैक जिसको बोलते हैं, भरी हुई किसी भी चीज से, वो एक बंदा नहीं उठा सकता। कभी कभार कहीं इलाके में ना कोई पहलवान हुआ करते थे देसी खुराकें खा के, वो उठाया करते थे और उसकी पूरे इलाके में मशहूरी हुआ करती थी, और हम जैसे जवान इस बंदे को 150 kg को कैसे उठा सकते, नहीं। अब देखो फोर आर्म से हम बड़े इजीली इस बंदे को उठा सकते हैं, ठीक है, ये ट्रैवल करने का एक जो है ना है। अब अगर मेरे पास दूसरा बंदा नहीं है, मेरे साथ
को दूसरी हेल्प के लिए दूसरा बंदा नहीं है। अब एक बंदे को जो है ना चोट लग गई है टांग में, एक टांग में फ्रैक्चर आ गया है, तो क्या करेंगे उस दौरान? उस दौरान सेम किधर गया आफाक, आफाक आ जाओ। अब देखें इस बंदे को क्या है, कैसे हम इसको जो है ना एक जगह से दूसरी जगह, मैं इसकी बेसाखी बनूंगा। बेसाखी किसको कहते हैं, जिस तरह बंदे सपोर्ट लेते हैं टांग में फ्रैक्चर होता है, तो मैं इसको एक हाथ इसका इधर रखवा के इस टांग में अगर इसकी फ्रैक्चर है, इसका ये पाँव अपने पाँव के ऊपर रखवाऊँगा, रखो पाँव को। अब ये है, अब इसको मैं इस बगल में हाथ दे के इसका अगला पाँव उठा के आप आगे रखो पाँव वो वाला, ये अब देखें ये वाला पाँव मैं उठा के आगे रखूँगा, ठीक है? आपने कुछ नहीं करना, ये दूसरी तरफ, ये क्या है, एक सिंगल बंदा है इसको फ्रैक्चर आया हुआ, तो उसकी टांग को सपोर्ट दे सकता है, ठीक है? टांग उसकी मुड़नी भी नहीं चाहिए, मेरी टांग भी सीधी होगी और उसकी मैं टांग आगे करके गाड़ी तक लेके जा सकता हूँ या स्ट्रेचर तक लेके जा सकता हूँ। स्ट्रेचर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी जगह जहाँ पर स्ट्रेचर नहीं आ रहा, तो स्ट्रेचर तक मैं ले कर जा सकता हूँ। वो स्ट्रेचर आप लेके आओ, ज़रा खोलो इसको। अब फॉर एग्जाम्पल इसके दोनों में, दोनों टांगों में भी तो फ्रैक्चर आ सकता है, एक में तो नहीं है। अब वहाँ पे क्या होगा, मुझे दो बंदों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या होगा, दो बंदों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अब इसकी दोनों टांगों में क्या है, फ्रैक्चर है। अब एक पाँव में इसका जो है अपने पाँव पे रखवाऊँगा, एक वो साथ उसके पाँव पे रखवाऊँगा, ठीक है? अब ये पहले हम लोग अपना पाँव आगे करेंगे, अफजल आगे करो पाँव अपना, और दूसरा पाँव इसके जो है हम लोग उठा के आगे करेंगे, ठीक है? ये देखें ऐसे करके इसकी टांगें बिल्कुल सीधी रहेंगी और हम इसको रेस्क्यू कर रहे हैं, ट्रैवल करके हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टेशन तक पहुँचा सकते हैं या फिर हम इसको इजीली पहुँचा सकते हैं, ठीक हो गया? और उसको कैसे हम जो है इसके ऊपर डालेंगे, स्ट्रेचर लेके आओ, रखो यार यहाँ पे। अब हमारे पास इंडस्ट्री में ये एक स्ट्रेचर होता है जिसको हम फोल्ड भी कर सकते हैं, एक स्ट्रेचर होता है बड़ा जिसके व्हील होते हैं, इसको रख दो नीचे, जिसके क्या होते हैं, व्हील होते हैं। व्हील वाला स्ट्रेचर हर जगह पर नहीं पहुँच सकता, वो सिर्फ जो सीधी सड़क हो या ट्रैक बनाओ उसके ऊपर जा सकता है, अदरवाइज हम उसको कहीं पर लेके नहीं जा सकते। ये स्ट्रेचर है हमारे पास, कहीं भी हम इसको फोल्ड करके ये इतना सा पीस बन जाता है, इसको हम ऊपर हाइट पे भी लेके जा सकते हैं, कहीं बेसमेंट में भी लेके जा सकते हैं, लेडर भी उतर सकते हैं, सारे मामलात कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आप लेटे आ जाएं, अब ये क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ठीक है? पहले स्ट्रेचर हमारे दूसरे हुआ करते थे, ठीक है? अब हमारे पास ये स्ट्रेचर है, हम इसके ऊपर बंदे को लिटाएंगे। अब अगर मैं ऐसे ही इसको उठाऊं तो ये थोड़ा सा इधर उधर अनबैलेंस होगा तो बंदा गिर भी जाएगा, तो क्या होगा, इसके ये स्ट्रैप लगाएं ऊपर से, स्ट्रैप को कस दें बिल्कुल। अब ये इसकी टांगों में अगर फ्रैक्चर भी है तो इसकी टांगें सीधी रहेंगी, मुड़ेंगी नहीं। अब ये इसके बाजू भी अगर हैं तो बाजू भी बिल्कुल इसके शोल्डर जो है कस गए हैं, क्लोज हो गए हैं। अब इसको उठाने का क्या तरीकाकार है, इसको हम कैसे जो है उठा सकते हैं, ठीक है? अब आप उधर से उठाएं, आप इस तरफ मुंह करके इसको उठाएं, उठाएं इसको, शाबाश। अब इस तरफ आप लेके इसको चलें, ऐसे करके हम क्या है सेम इसी पोजीशन में हम हॉस्पिटल, जहां पे बस छोड़ दो पीछे ले आओ, जहां पे हमने इसका ट्रीटमेंट करना है, ठीक है? ट्रीटमेंट इसको देना है, वहां तक हम गाड़ी में भी ऐसे ही रख के लेके जा सकते हैं, वहां तक पहुंचा सकते हैं। ना इसके बाजू हिलेंगे, ना इसकी क्या है टांग हिलेंगी। खोल दो इसको, अब देखो अगर मेरे पास स्ट्रेचर नहीं है तो सिंपल मेथड है हमारे पास, ठीक है? इसको साइड पे करो थोड़ा, इधर आओ। सिंपल मेथड क्या है कि ये बंदा है, इसको हमने जो है ना किसी जगह पे शिफ्ट करना है। फॉर एग्जांपल इसकी दोनों टांगों में क्या है, फ्रैक्चर है, ठीक है? ये अब टांगे ढीली छोड़ दो आप, अब आगे आओ आप, उस तरफ मुंह करके सेंटर में खड़े हो, सेंटर में उस तरफ मुंह करके, हाँ। अब इसकी दोनों टांगे पकड़ो पीछे से, हाँ उठाओ। अब ये इसकी टांगे सीधी हैं, हम ऐसे भी इस कंडीशन में इसको लेके जा सकते हैं, छोड़ दो। अब देखो किसी जगह पे हम जो है ना
एमरजेंसी ऐसी है, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमने बंदे बहुत ज़्यादा हैं, एक बंदे ने जो है एक बंदे को ही रेस्क्यू करना है, उस दौरान दो दो बंदे एक बंदे पे नहीं लग सकते, तो हमारे पास क्या मेथड होगा उस दौरान, हम कैसे जो है ना इनको उठाएंगे? आप लेटो आके इधर, जैसे पहले लेटे थे। इसकी टांगे रोल करो उठा के। अब देखो ये सारा काम मैंने ही करना है, यहाँ पे तो बंदे हमारे पास हैं, हम हेल्प ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करना है, सारा कुछ इधर से आके हमने ही करना है। अब देखो इसके मैं पाँव पे हाथ रख के इसको पहले सीधा ऐसे उठाऊंगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद सिंपल इसका ये हाथ जो है मैं यहाँ पे लूँगा, दूसरा हाथ इसकी रान से डाल के इसको ऐसे जो है मैं उठा के ले जाऊँगा, ये सिंपल है। अब ये देखो एक बंदा एक बंदे को उठा के लेके जा सकता है, हम ज़्यादा जो है बंदों को रेस्क्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एक प्लांट एरिया है, वहाँ पे कोई मसला हो जाता है, वहाँ पे हमारे जो है फायर के बंदे हैं, कितने हैं हम खड़े, 25 बंदे मैक्सिमम है, हमारी ट्रेनिंग है, उधर 50 बंदे हैं, तो हमने क्या करना है, मिनिमम टाइम में उनको निकालना है, तो ऐसे ही निकाल सकते हैं कि एक बंदे को एक बंदा उठाएगा। आप इसको उठाएँ, हेलमेट उतार दें, ये जाओ, आप तो बेहोश हो। हाँ ठीक है, ये इस तरह उठा के बंदे को लेके जा सकते हैं। अब ऐसा यहाँ पे चार बंदे आ जाओ, हेलमेट उतार के चार बंदे आ जाओ यहाँ पे, आप रुको खड़े हैं जी सर, बल्कि आप लेट जाओ, पांचों के पांचों लेट जाओ आप। अब ये पांच लोग हैं, ये किसी भी जगह पे जरूरी नहीं है, पांच ही हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और 200 भी हो सकते हैं जी सर। आपने कैसे है ट्रेंड होंगे तो एक ही टाइम पे आपने इन बंदों को जो है लेना है, कैसे लोगे इनकी करो, इनको रेस्क्यू करो, टांगे फोल्ड करके इनको उठाओ, शाबाश, टांगे फोल्ड करो, असगर खान हो जाओ, शाबाश, वेल डन, गुड गुड गुड, शाबाश, उठाओ उठाओ, वेल डन, गुड हो गया, उठाओ इनको, ये शाबाश शाबाश, लगाओ हाथ इसको, उठाओ शाबाश, ये इसको जो है ऐसे नहीं भाई, आप उसके, हाँ शाबाश, ये हो गया। देखो बंदा जो है ना, अभी आप लोग अकड़ना नहीं है, ढीला छोड़ो जिस्म को, वो जो है आसानी से आपको उठा सके, जैसे उठाओगे एक साइड वाला जो हाथ है वो उसी वक्त उसकी बगल के अंदर ले आओ अपने आप को, और उसको उठा के आप ले आ सकते हैं, ठीक है। अब जो आप लोग खड़े हो आप लोग आ जाओ इधर, बाकी ये जो पांच लोग थे वो दोबारा लेट जाएं इधर, उतार दो अपने अपने हेलमेट उतार दो। अब इन आ जाओ जल्दी आ जाओ, बिलाल जल्दी करो यार, इतना टाइम नहीं है। अब पहले देखो इसके हाथ जरूरी नहीं है ऐसे ही हो, इसके हाथ ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, ये कंडीशन में भी है, ये कंडीशन भी हो सकती है ऐसे। सबसे पहले आपने इनके टांगों को सीधा करना है, हाथों को ऐसे सीधा करना है, उसके बाद आपने इनकी जो है ना टांगों को जो है सीधा करना है, करो टांगे सीधी करो इनकी आराम से, हाँ इसके पाँव के ऊपर पाँव रख के हाथ पकड़ो जोर से, इसको अपने साथ लगाओ, शाबाश गुड, उठाओ इनको, शाबाश वेल डन, शाबाश शाबाश, ये ऐसे उठा के आपने ले जाना है जहाँ मर्जी इनको ले जाए, शाबाश यार वेल डन, वेल डन हो गया। ये आपका क्या है, आपने रेस्क्यू करना है, रेस्क्यू टीम ऐसे ही परफॉर्म करती है, ठीक है, मुख्तलिफ मेथड हैं, बंदे को उठाना है, एक टांग में इंजरी है, दो टांगों में इंजरी है, उस बंदे को जो है ना वो अनकॉन्शियस है, भारी है, फोर आर्म सीट बनानी है, ये सारे जो हैं प्रोसीजर हैं ये हम उसी टाइम पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अगर यहाँ पे कोई बंदा बेहोश होगा, गाड़ी दूर खड़ी है, तो आप क्या करोगे, उस बंदे को ऐसे उठा सकते हो, ठीक है, बंदा बेहोश है आप उसको ऐसे उठा सकते हो, कंधे पे उठा के जाके वहाँ पे आप उसको गाड़ी में क्या कर सकते हो, रख सकते हो। अदरवाइज अगर आप ज़्यादा इजी है, स्ट्रेचर आपके करीब है, स्ट्रेचर पे डालें और उसको ले जाएं, बंदा ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक हो गया ये।